फिरोजाबाद में आज 30वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत एआरटीओ नीतु सिंह और टीआई ने स्टेशन रोड स्थित झा क्लासेस में यातायात नियमों से संबंधित संदेश दिया। एआरटीओ नीतु सिंह ने यातायात के नियमों से छात्राओं को अवगत कराया, तो वहीं टीआई देवेंद्र शंकर पांडे ने भी सभी से यातायात के नियमों का पालन करने को कहा। बताया गया है कि जब तक हम सब खुद सारे नियमों को फॉलो नहीं करेंगे, तब तक दूसरों को दिया गया संदेश सफल नहीं होगा, इसलिए खुद भी उन पर अमल करें। इस दौरान ब्रांड एम्बेसडर कल्पना राजौरिया भी मौजूद रही। फिरोजाबाद से गौरव राठौर की रिपोर्ट, एसकेएच न्यूज। तो जाते हैं हम लोग तो देखते हैं कि छोटे बच्चों को भी पता है, कच्चा 3-4-5 के बच्चों को कोई नहीं कि मैं मरूंगा, सबके मरने की कल्पना करते हैं कि वो मर जाएंगे तो ये करेंगे, उनकी हो जाएगी तो ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, सारे विकल्प उनके पास रहते हैं, कभी ये नहीं सोचते। निकल रहे हैं बाइकर्स, निकल रहे हैं फिर भी उनको कोई देर नहीं, उनको तुरंत फॉलो किया जाए, कैमरे को उनको तुरंत लिया जाए। आपके बाद अभी मैं समझ गया, दशहरा वाला जो हुआ था इंसिडेंट हुआ था वहाँ पे जो इतने लोग मरे थे, दैट बिकॉज ऑफ देयर फॉल्ट, फिर उन्होंने कंपेंसेशन कार्यशाला परिवहन विभाग से यातायात के तरफ से जो कराया जा रहा है, और स्पेशली आज लोग आने वाले समय में ट्रैफिक रूल्स का पालन करेंगे और दूसरे लोगों को भी प्रभावित करेंगे, कोशिश करेंगे उनको पालन कराने का। बीच बीच में मैं कुछ जानकारियां देता रहूंगा और जितने भी वक्तागण हैं यहाँ पर उनसे अनुरोध करूंगा कि वे लोग जहाँ पर हम रेड क्रॉस की भी बात कर रहे हैं, तो रेड क्रॉस और सड़क सुरक्षा में आप सोच रहे होंगे कंफ्यूजन हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो थोड़ा सा क्लेरिफाई कर देते हैं। देखिए जब आप रोड पर चलते हैं तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑलवेज कि आपका एक्सीडेंट हो सकता है, आप कोई ऐसी सिचुएशन में आ सकते हैं दैट इज प्रॉब्लमेटिक टू यू एंड इट कैन बी अ इमरजेंसी सिचुएशन टू यू ऑल्सो। सो इन दैट केस आपको आना चाहिए कि आप स्वाति सिंह, उन्होंने हमें सड़क सुरक्षा के बारे में जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं उस सब के बारे में बताया, और उन सब में पांडे जी ने बहुत ज़्यादा अच्छा बोला। उन्होंने बताया कि मतलब हम लोग सब देखते हैं कि लोग गलत कर रहे हैं, कोई ट्रक किधर से भी लगा रहा है उससे जाम लग जाता है, इतना लोग 5 मिनट का वेट नहीं करते हैं, उसकी वजह से वो 2-2 घंटे जाम में फंसे रहते हैं, तो उसको हमें कैसे बचाना चाहिए। हम 1 मिनट के लिए सोचते हैं कि हम वैसा ना करें, हम ओवरटेक ना करें, हम अपनी गाड़ी आगे ना लगाएं, लेकिन दूसरों को देखते हुए हम उन्हें रोकते नहीं हैं। हम भी उन्हीं में से एक होते हैं और अपनी गाड़ी गलत फंसा देते हैं, 2-2 घंटे जाम में फंसे रहते हैं। रेड क्रॉस के बारे में, रेड क्रॉस एक तो विश्व स्तरीय फैली हुई है, जब इटली में युद्ध हुआ था शायद 1869 में तब इसका फॉर्मेशन हुआ था, तो ये जैसे युद्ध में जो घायल लोग होते हैं जैसे अभी, तो उनकी मदद करते हैं कि उन्हें ये सिखाते हैं कि अगर कोई हमें कोई बेहोश हो गया या फिर किसी का एक्सीडेंट हो गया तो हम उस इंस्टेंट पे क्या करेंगे, हमारे पास क्या होगा कि हम उसे कैसे बचाएं। मान लीजिए कोई जंगल वगैरह में ये सब होता है, हमारे पास डॉक्टर्स वगैरह की फैसिलिटी नहीं है, तो थोड़ी देर के लिए हम उसे जिंदा कैसे रख सकते हैं, तो उस सब के बारे में उन्होंने हमें बताया। और भी क्या संदेश देना चाहोगी तुम अपने देश के लिए? देश के लिए हम यही संदेश देना चाहेंगे कि अगर मतलब रोड पे कभी भी हम ड्राइव करें तो एक तो हेलमेट लगा के, और कभी भी बात नहीं करनी चाहिए, फ़ोन पे बात नहीं करनी चाहिए हमें। और जहाँ पर हम रेड क्रॉस की भी बात कर रहे हैं, तो रेड क्रॉस और सड़क सुरक्षा में आप सोच रहे होंगे कंफ्यूजन हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो थोड़ा सा क्लेरिफाई कर देते हैं। देखिए जब आप रोड पर चलते हैं तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑलवेज कि आपका एक्सीडेंट हो सकता है, आप कोई ऐसी सिचुएशन में आ सकते हैं दैट इज प्रॉब्लमेटिक टू यू एंड इट कैन बी अ इमरजेंसी सिचुएशन टू यू ऑल्सो।